बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैप्टर 5 के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले चैप्टर 4 में गिबिसाइड जो ऑप्शन था वो ठीक था, उसकी तस्हीह कर लेते हैं। ये IX में ये जवाब नहीं है, यहाँ पे अगर ये ना हो 3 तब होगा, तो इसका जवाब गिबिसाइड है। अब आते हैं चैप्टर 5 की तरफ। तो ऑक्सीडेशन ऑफ CR पूछा है, पोटाशियम सेकंड ग्रुप में है तो इसकी वैलेंसी +2 हो जाएगी, 1 वैलेंसी होती है, 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2 CR, CR मालूम करना है, ऑक्सीजन का -2 तो 7 × −14 = 0, ये माइनस करेंगे तो 2 CR −12 = 0, 2 CR +2 का 12, ये कैंसिल हो जाएंगे तो +6 जवाब। हार्मफुल एंड अनडिज़ायरेबल रिएक्शन ऑफ मेटल व्हेन एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर, जब मेटल को हवा में रखा जाए तो उस पर जो है ना जंग वगैरह लग जाते हैं, जिसको कहते हैं कोरोजन। द मेटल आयन हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर तो Mn है, EDTA इज मल्टी डेंटेड, क्योंकि ये होता है EDTA मल्टी का मतलब है एक से ज़्यादा, तो ये होता है हेक्सा डेंटेड, ठीक है, तो मल्टी डेंटेड कहलाएगा। फार्मूला फॉर कपरिक एसिड CH3CH2 टेकन 4 COOH, यहाँ COOH नीचे आया था, यहाँ पे मैंने लिख दिया ताकि आप सही से लिख सकें। स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ क्रोमियम एंड निकल, इसमें होते हैं 7, क्योंकि ये आयरन का है तो Fe का मतलब आयरन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन फ्रॉम जिप्सम, फोटोग्राफिक फ्लैट फिल्म इज मेड ऑफ शीट ऑफ सेलुलोस एसीटेट। ठीक है, तो ये जवाब है। द प्रोसेस ऑफ कवरिंग आयरन शीट बाय अ लेयर ऑफ जिंक इज नोन एज गैल्वेनाइजिंग। क्रिस्टलाइन सॉलिड दैट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल, ये चैप्टर 2 का है लेकिन इसके वहाँ डिस्कस हो चुका है।